ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। क्वेश्चन कह रहे हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डिटरमिनेंट इज एंड इट्स एलिमेंट इज 3x, x1 एंड सेकंड डिटरमिनेंट्स एलिमेंट्स आर 3, 2, 4, 1। अपन ने इथे दो डिटरमिनेंट दिए ने, मान लेंगे ए वे ए और ए वे बी। ते ए डिटरमिनेंट दे एलिमेंट्स ने 3 x 4, 1 और b डिटरमिनेंट दे एलिमेंट्स ने 3, 2, 4, 1। असी सब तो पहला डिटरमिनेंट ए दा मान कटेंगे, ते जदो चार एलिमेंट्स होन किसी डिटरमिनेंट, मान लो a1 a2 a3 a4, ते दा मान कटी दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना। A1 नू मल्टीप्लाई करी दे A4 नाल, जदा मान हो जांदा है A1 A4 - A2 A3। एवें ही अपा इथो मान कटांगे ते ए दा हो जाएगा A1 ए 3 × 1 = 3 - x × x = x² हो जाएगा। फिर डिटरमिनेंट B दा मान कटांगे ते ए हो जाएगा 3 × 1 - 4 × 2 = 8, ए बराबर हो जाएगा -5 दे। कौन क्वेश्चन इच कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए जेड़ा है ओ बराबर है डिटरमिनेंट बी दे, तो एदा जेड़ा मान होएगा ओ भी बराबर होंगे। डिटरमिनेंट ए दा मान है 3 - x², डिटरमिनेंट बी दा मान है -5। तेनु अपन लिख सकते हैं 3 + 5 बराबर हो जाएगा x² दे, और x बराबर हो जाएगा √8 दे। √8 नु अपन लिख सकते हैं 4 × 2, ये 4 दा स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 2 √2, यही x का मान होएगा। धन्यवाद।